ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਖਿਆ ਉਮੇਸ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ चेहरे ते मुस्कान ले कर वापसी कर रहे ए ने उमेश जो सऊदी अरब विच गए ता पैसा कमान सी पर उत्थे अजे फसे कि अपने देश नु देखना ही एक सुपना हो गया। उमेश नु भारत नहीं आन दिता जा रहा सी। सऊदी अरब विच उस दे नाल बुरा सलूक किया जा रहा सी अते उमेश दे नाल कुटमार भी की जाती सी। पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे खबर दिखाए जान तो बाद उमेश दी आवाज विदेश मंत्रालय तक पहुंची अते विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दीयां कोशिशां कारण अज इस परिवार विच मुंह मिठा किता जा रहा है अते इस खुशी दे लई उमेश अते उसका परिवार जी मीडिया दा धन्नवाद कर रहा है। मैं जी मीडिया की भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी सभी जो मीडिया है जहाँ पर जिन्होंने मेरा बात उठाई है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी उन्हीं की बदौलत मैं जहाँ पर आज हूँ, नहीं तो शायद आज मैं ना होता जहाँ। उमेश वापस तो आ गए पर इस पूरे मामले विच उमेश सूबा सरकार अते मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर तो खफा नजर आए पर उन्होंने मदद दे लई तेलंगाना ते बीजेपी आगू श्रीनिवासन दा धन्नवाद किता। हिमाचल गवर्नमेंट को मैं बुरा नहीं कहूंगा लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने मेरा कुछ साथ नहीं दिया। जिससे जैसे आपने मीडिया ने साथ दिया, टी आर श्रीनिवास ने साथ दिया, उधर पाशा भाई से उधर उन्होंने साथ दिया, तो बाद में वेंकटेश और इमदाद जी ने साथ दिया, उतना साथ नहीं दिया हिमाचल गवर्नमेंट को। उनको पता था कि मैं फंसा हूँ वहाँ पर। उथे श्रीनिवासन ने भी किया कि वह अजिहे फंसे भारतीयों नूं बचाउण दे लई मुहिम चलांदे रहणगे। नाल ही उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का धन्नवाद किया अते इस पूरे मामले विच जी मीडिया की भूमिका की प्रशंसा की। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। मैं खासकर लोकल मीडिया जी का, वहाँ जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मुहिम एक ये अब बंद नहीं होगी, अब चालू रहेगी और लोगों को जितना भी तकलीफ है और जो उनको मदद चाहिए हम जरूर देंगे। फिलहाल उमेश वापस आ चुके ने पर अजे भी कई अजे युवक ने जो अपनी वतन वापसी दे रही तड़प रहे ने ते सरकार नू उना दे वल भी ध्यान देना चाहिदा है। राकेश मल्ली, जी मीडिया, उना। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਮੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
मैं सब तो पहला तो जी पंजाब का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मेरी आवाज़ आ जी पूरे वर्ल्ड के सुनाई बहुत लोगों को दुख लग्या मैं बाहरों भी जिम्मे अमेरिका कनेडा चो भी फोन आ नाल ही परिवार ने साफ किया है कि उन्होंने सरकार वालों किसी तरीके की ग्रांट नहीं चाहिए बस और जल्द तो जल्द बलविंदर सिंह की भारत वापसी चाहते हैं अपने घर के आर्मी के ऑफिसर भी आए थे अपने हल्के के विधायक रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा साहब भी आए थे उन्होंने मैं पूर्ण विश्वास दवाया कि मैं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उन्होंने अपनी ये जी है इनू बहुत नेड़ों इस दरखास्त को लूँगा तो उन्होंने गलबात करूँगा मैं सिर्फ मेरे पापा चाहिए आ सरकार कितने इंज ना सोचन भी शायद बलविंदर सिंह की बेटी जी बलजिंदर कौर है कोई ग्रांटा की मांग करती है मेरी सरकार के अगर रिक्वेस्ट आ मैं कुछ नहीं चाहिए थोड़े को ना ही मैं थोड़े तो कुछ मंगती हाँ मैं सिर्फ मेरे पापा चाहिए आ उधर सियासी धिर अकाली दल ते स्थानक प्रशासन वालों भरोसा दिता जा रहा है कि इस मुतलक केंद्र सरकार तो गल करेंगे ते बलविंदर नूं भारत वापस लियाउण दी पूरी कोशिश की जाएगी कोशिश करांगे कि असी पंजाब सरकार दी तरफों सदे मानयोग मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब नूं निमरता सहित बेनती करांगे कि वह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाल राबता कायम करके वह साढ़े इस नौजवान जो उस समय दे विच देश वास्ते लड़दा हुआ फड़िया गया उन्होंने उत्तों लैके साढ़े परिवार के लैके वापस चंबे कलां चाहूँ श्री रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा जी ने मामला टेकअप किया तो उन्होंने सानू भी हिदायत की है कि सारा केस का फाइल तैयार करके जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय सीएम पंजाब भेजी जाए हुण इंतजार बलजिंदर सिंह की वतन वापसी का है क्योंकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी कोशिशां सदके प्रशासन अते सियासतदाना ने इस परिवार दी सुत लई हुण इंतजार सिर्फ वादे वफा होण दा है मनीष शर्मा जी मीडिया तरनतारन जी हाँ बिल्कुल उम्मीद जरूर जागी है पर जो वादे किए गए ने कदों वफा होणगे प्रशासन दे वलों सियासी आगुआं दे वलों उस ते नज़र रहेगी पर लाजमी तौर ते जिहड़े कैदी ने पाकिस्तान की जेल भारतीय कैदी जो 1971 की वॉर के समय उत्थे चले गए उन्होंने वापस लियाउण दे लई लाजमी तौर पर ढुकवें कदम जिहड़ी केंद्र सरकार है उस वालों जरूर चुके जाने चाहिए ताकि ये अपने परिवार को वापस मिल सकन बेशक उन्होंने कई दहाके पाकिस्तान दी जेलों दे विच निकल चुके नाले हैरान कर देने वाली गल है कि बलविंदर सिंह नूं बकायदा शहीद भी ऐलान दिता गया सी पर चार दहाकियां बाद उन्होंने जिंदा होने की जो खबर सी घर पहुंची है अते हुण बेटी अपने पिता नूं लभ रही है ते मां अपने बेटे नूं लभ रही है ते यही उम्मीद जता रहे हैं कि छेती बलविंदर सिंह दी घर वापसी होगी हालांकि उन्होंने भरोसे तो कई मिल रहे हैं पर वो भरोसे वफा कदों होणगे इसकी जो उड़ीक की जा रही है परिवार वालों भी अस भी कर रहे हैं अगे वे अगली खबर का रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तो बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नवे प्रधान चुन ले गए हैं पर कई चुनौतियां ने उन्हें अगे ये रिपोर्ट देखो मुंबई च बीसीसीआई की बैठक च अनुराग ठाकुर सर्वसम्मति मुखी चुनिया गया उन्होंने शशांक मनोहर की थां ली है 41 साल के ठाकुर बीसीसीआई मुखी की जिम्मेवारी मुश्किल समय के संभाल रहे हैं क्योंकि बोर्ड उत्ते जस्टिस लोढ़ा कमेटी दी सिफारिशों को लागू करने का दबाव बनिया होया है आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड सिटिंग हियर द मेंबर्स हु हेल्प मी एंड गाइड मी टू डू वर्क एट द हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लेवल एंड इन द बीसीसीआई आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मेंबर्स मैं विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो बोर्ड आज एक कठिन समय से गुजर रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे अनुराग ठाकुर 2017 तक बीसीसीआई मुखी बने रहेंगे अनुराग ठाकुर आजादी तो बाद बीसीसीआई दे सब तो घट उम्र दे प्रधान ने मुखी बनने तो पहला अनुराग ठाकुर बीसीसीआई दे 77 सन अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की रणजी टीम के लिए एक मैच भी खेड चुके ने अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तो लोकसभा एमपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कौमी मुखी भी ने ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮ ਪੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ
इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दस दूँ तुहानूं, एक रणजी मैच खेड चुके ने हिमाचल प्रदेश के वलों, तो उस रणजी मैच के उन्होंने बैटिंग की, सत्त बॉल खेडिया तो कोई स्कोर नहीं कर सके, यानी वो खाता भी नहीं खोल सके। खैर बीसीसीआई के प्रबंधकों के तौर उत्ते उन्होंने खाता खोलिया तो बिल्कुल टॉप की जी सीट है उत्थे तक भी पहुंचे ने। अगली खबर दा रुख करदे हां, अगली खबर चंडीगढ़ तो सिख मार्शल आर्ट गतके दे जौहर देखण नूं मिले चंडीगढ़ दी पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच, जिथे ऑल इंडिया मार्शल आर्ट फैसटिवल करवाया गया अते देश दे वख-वख हिस्सियां तों आए नौजवानां ने मार्शल आर्ट पेश कीते। सिख मार्शल आर्ट यानी गतके दे इह जौहर दिखाए जा रहे ने चंडीगढ़ दी पंजाब यूनिवर्सिटी विच, जिथे दो दिनी ऑल इंडिया मार्शल आर्ट फैसटिवल करवाया गया। इस टूरनामेंट दे विच ना सिर्फ गतका सगो कुंगफू कराटे वर्गे होर मार्शल आर्ट्स दे मुकाबले भी करवाए गए, पर इस दौरान गतका सब दी खिच दा केंद्र रहा अते इस मुकाबले च हिस्सा लैण वाले प्रतिभागी भी खासे उत्साहित नजर आए। इस मुकाबले च पटियाला दी गतका टीम ने जित हासिल कीती। इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट वल्लों वर्ल्डवाइड गतके नूं प्रमोट किया जा रहा है। अज इत्थे जो गतके दा टूरनामेंट होया सारे मार्शल आर्टां दे विच गतके नूं शामिल होना एक बहुत वड्डी इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट वल्लों बहुत वड्डी देन है। सिख जगत विच गतका खिडारियां विच मैनूं लगदा इस तों वड्डा माण होर कोई नहीं हो सकदा वी सारे मार्शल आर्टां दे विच अज गतका शामिल होया। इस टूरनामेंट का प्रबंध इंटरनेशनल सिख मार्शल अकैडमी वालों करवाया गया। प्रबंधकों मुताबक बच्चों और नौजवानों को सिख मार्शल आर्ट वाल प्रेरित किया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इत्थे ऑल इंडिया मार्शल आर्ट फैसटिवल कम टूरनामेंट सीगा जिदे च 11 मार्शल आर्ट इत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्हों चो एक गतका भी हैगा। अज गतके दे जिहड़े इत्थे मुकाबले हुए आ इस भारत के मार्शल आर्टां दे महाकुंभ के दौरान गतके दे 12 जिलों चों टीमां इत्थे पार्टिसिपेट कीतियां। इस मुकाबले च देश दे वख-वख मार्शल आर्ट देखण नूं तां मिले ही ने, नाल ही बच्चियां च मार्शल आर्ट प्रति खासा उत्साह भी देखण नूं मिलिया। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के मार्शल आर्ट्स के जौहर वेखन मिले तो खास खिच का केंद्र रहा गतका जिसनों सिख मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल अगे वध दे अगली खबर का रोक करते हैं। अगली खबर वडोदरा तो है। जी हाँ, वडोदरा के एक 24 वर्या की कुड़ी ने अजिही मुहिम चलाई है जिसका गरीब घर के कुड़िया सिक्ख्या तो वांझिया ना रह जान। निशिता ने इस साल 5100 कुड़िया की 51 लाख रुपए फीस जमा करवाई है। छोटी उम्र च समाज बदलण दा सुपना देखिया सी, हुण ओह ख्वाब सच हो रहा है। वडोदरा दी रहण वाली 24 वरियां दी निशिता राजपूत उन्हां विद्यार्थणां दी तकदीर बदलण च जुटी है जो गरीबी दी वजह नाल अपनी पढ़ाई दी फीस नहीं भर पाउंदे अते उन्हां नूं पढ़ाई विचाली ही छड्डणी पैंदी है। निशिता दी मुहिम दा मकसद गरीब विद्यार्थणां दी 6 महीने दी स्कूल फीस भरना है ताकि ओह चंगी तालीम हासिल कर सकन। जो बच्चे होते जो गरीब वर्ग में होते वो लोग को पढ़ाते नहीं है, जो काम करना चाहते तो उनको काम में ही लगवा देते हैं। तो फिर मुझे ऐसा मैंने उनको समझाया, इवन आई मुझे काउंसलिंग किया उन गर्ल्स का भी उनके पेरेंट्स का भी कि आपको पढ़ाना तो पढ़ाओ, आई विल मैं उनको फी पे करूँगी। इस साल निशिता राजपूत ने 5100 स्कूली विद्यार्थियों की 51 लाख फीस जमा करवाई है। गरीब बच्चों की सिक्ख्या के लिए निशिता पिछले 4 साल तो मुहिम चला रही है। वो हर साल कॉलेज की छुट्टी विच लोगों तो पैसे इकट्ठे करती है, किसी ना किसी स्कूल में जाके उत्थे दी गरीब विद्यार्थियों की 6 महीने की फीस जमा करवाती है। हर ईयर में मैं 151 गर्ल्स को एडॉप्ट करती हूँ जो अच्छी पढ़ने में, तो उनकी पूरे साल की फी पे करते हैं, उनको यूनिफॉर्म से सभी जो जरूरत होते हैं वो सब हम उसको देते हैं। पिछले साल निशिता ने 3137 गरीब विद्यार्थियों की फीस के तौर पर कुल 30 लाख रुपए फीस जमा करवाई सी। उन्होंने इस मुहिम की पूरे शहर चर्चा है।
पैसा इकट्ठा करने लिए व्यापारियों के घर जाके मदद मांगती है। निशिता दे इस नेक समाज सेवा नु देख के कुछ लोग तो खुद उन्होंने कोल आके पैसे दे जाते हैं। दान तो मिली पाई पाई का वह हिसाब रखती है। काम बहुत अच्छा लगा, हर स्कूल में जाते हैं, ढूंढते हैं गरीब लड़कियों को ढूंढ के, क्योंकि फी पेयर करते हैं। काम बहुत अच्छा है, अपने चेक देते हैं अकाउंट पे, वो स्कूल के नाम के चेक देते हैं, अपनी बैंक पे उनकी एंट्री पड़ती है और अपने को पूरा बायोडाटा देखे किस लड़के का तुम्हारा पैसे दिए वो सब बायोडाटा। बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से हमने उसको 3 लाख रुपये देने का लक्की किया है। 24 वर्षों की कुड़ी की नेक पहल की वजह नाल हजारां गरीब विद्यार्थियों का भविष्य संवर रहा। उन्होंने पैसों की वजह नाल विच पढ़ाई नहीं छड़नी पै रही, हुण जरूरत है इस नेक मुहिम का हिस्सा बन के बच्चों नूं हौसला देण दी, क्योंकि धीआं पढ़नगियां नहीं तो अगे किवें वधणगियां। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। ਤਾਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਲੇ ਗੌਰਵ, ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਥਾਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ 'ਚ 6 ਰੋਟੀਆਂ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ 1 ਫਰੂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 17 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਟੁੰਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਥੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਰੋਟੀਆਂ, 1 ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ 1 ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾ ਗੋਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। बहुत अच्छा लगता है, इतना सेटिस्फेक्शन लग रहा है जैसे किसी और काम में नहीं लग रहा है, क्योंकि कई लोग फूड के भी बहुत बखान करते हैं, तो ये सुन के भी अच्छा लगता है कि उनके मन को तृप्ति मिल रही है। तो ये उनकी तृप्ति देख के हमें तृप्ति हो रही है। हम लोग टर्न बाय टर्न आते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग सब थे यहाँ पे, अभी ऑलमोस्ट 15 दिन होने को आए हैं, तो 3-3, 4-4 वॉलंटियर होते हैं एंड वी मैनेज इट दैट वे। ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 17 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਰੁਪਏ ਅਭੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਂਗੇ, ਆਤਾ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਤੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਅਭੀ ਤੋ ਚਲਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਤੇ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ 5 ਰੁਪਿਆ ਮੇਂ ਬਿਸਕਿਟ ਕਾ ਪੈਕੇਟ ਲਾਤੇ ਹੈ, 12 ਰੁਪਿਆ ਮੇਂ ਪਾਓ ਵੜਾ ਖਾਤੇ ਹੈ, 30 ਰੁਪਿਆ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਧਕੇਲਤੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਗੋ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਸੰਡੇ 500, 1,000, 2,000 ਕਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 5 ਰੁਪਿਆ ਕਾ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਲੈਣੇ ਜਾਊਂਗੀ ਜਾਊਂਗੀ ਔਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई। बिल्कुल, जिस तरह नाले 17 औरतों के ग्रुप ने पहल की है वाकई लाजवाब है, पर अजिहियां खबरां पूरे देश तो सामने आउंदियां ने। हाल ही के दिनों के शिमला तो भी दिखाया सी, जिथे रोटी बैंक बनाया गया कुछ लोगों के वालों शिमला के ही रहने वाले ते गरीब लोगों नू उस रोटी बैंक के जरिए रोटी खवाई जाती। नाले गौरव, किसी भुखे नू रोटी खवाना काफ़ी पौंदा काम हुंदा है, नाले जिस तरीके नाल 5 रुपए दे विच थाली दिती जा रही है, सच्ची इस नेक सोच नू जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का सलाम है। अगे वधदिया हुण गल करते हां मौसम की। जी हाँ, मई का महीना है तो कहर की गर्मी है, अजे जेकर घरों बाहर निकलना हो खास ध्यान रखने की लड़ पैंती है क्योंकि नित दिन तापमान वाधा जा रहा है और इस करके लोगों को अपने बचाव लिए वक् वक् तरीके अपनाने पै रहे हैं। चंडीगढ़ तो यह रिपोर्ट देखो। किसी के हाथ में आइसक्रीम है, कोई नारियल पानी पी रहा है तो कोई ठंडे पानी का सहारा लै रहा है। गर्मी नाल बेहाल होया इस शहर है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, जिथे गर्मी कहर बनी हुई है ते पारा 41 दे पार पहुंच गया है। इस तपाउण वाली गर्मी दा असर ए है कि जिधर भी नजर जा रही है हर कोई अपने आप नू बचाउण दी कोशिश कर रहा है। लोग मुंह सिर ढक के घरों बाहर निकल रहे ने तां जो लू दे गर्म थपेड़ियां तो बचिया जा सके। अपने लस्सी बिन्या भी रिकाली नींबू पानी होर कुछ खाई नहीं आता जी, गर्मी बहुत ज्यादा है। हूँ असं कार भी ए सी लाया तो गर्मी गर्मी है। सवेरे उठी तो ना लगता जी, सवेर नहीं है, दोपहर उठे आप, इन्नी गर्मी हुई पी है घर भी ना पसीने हुई भी होंगे। उधर मौसम महकमे मुताबक आने वाले दिनों च इस गर्मी तो निजात मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे ने। गर्मी का कहर लगातार जारी है। आज चंडीगढ़ में पारा 41 डिग्री तक पहुंच चुका है और लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और लोग जो गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, इसके अलावा नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ बाहर निकलते समय जो मुँह कवर कर रहे हैं। और फिलहाल अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी लोगों को गर्मी से निजात मिलने की कोई आशा नहीं है। इस बार गर्मी के इस मौसम ने लोगों के वट कढ़ दिए ने ते मौसम महकमे की पेशनगोई ने भी कोई राहत नहीं दी है। अजिहे च सावधानी ही गर्मी तो बचा सकती है। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आने वाले कुछ दिनों तक तो मौसम मेहरबान बिल्कुल नहीं होने वाला, सो तुसी इस गर्मी के कहर तो सारा बच के रहो। जी बिल्कुल, बच के रहो। तो जिस तरह असं तुम दिखाए हैं कि लोग पी रहे हैं नारियल पानी, आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, तुसी भी ले सकते हो गर्मी तो निजात पाउण दे लई। अगे वधदे हां, गल मौसम की हो रही है तो देख लें कि अज पूरा दिन मौसम किहो जिहा रहा, खास तौर पर उत्तर भारत के वख वख शहरों के विच। एतवार नूं उत्तर भारत विच लोगों नूं गर्मी तो खास राहत नहीं मिली, पर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों च 1 से 2 डिग्री तक पारा घट दर्ज किया गया। सब तो पहला गल राजधानियों की करिए तो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ च पारा वध तो वध 40 डिग्री और घट्टो घट 28 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला च वध तो वध 26 डिग्री और मिनीम पारा 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जदोंकि देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को गर्मी तो ज़्यादा राहत नहीं मिली और पारा 45 डिग्री तक पहुँच गया। गल पंजाब के शहरों की करिए तो लुधियाना च पारा जिथे 41 डिग्री तक पहुंचया तो उथी पटियाला च 41 डिग्री, अमृतसर च 41 और बठिंडा च वध तो वध पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर हरियाणा के लोगों को गर्मी तो राहत एतवार को भी ज़्यादा नहीं मिली। हरियाणा के हिसार विच पारा जिथे 45 डिग्री तक पहुँच गया तो उथी भिवानी च 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जदोंकि गुरुग्राम विच वध तो वध पारा 43 और घट्टो घट पारा 31 रिकॉर्ड किया गया। उथी जींद विच 42 डिग्री टैंपरेचर करके लोग गर्मी तो बेहाल होंदे रहे। उधर हिमाचल के ऊना च पारा 38 डिग्री रहा, जदोंकि मनाली च वध तो वध 25 और रोहतांग च 16 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।